हेलो साथियों, नमस्कार। बी एन जे ब्लॉग्स पर आपका स्वागत है। आज 1 अक्टूबर 2023 है और आज की मुख्य समाचार। बिहार बोर्ड अध्यक्ष ने जानकारी, एसटीटी अब साल में 2 बार, रिजल्ट भी 15 दिन में। सितंबर की परीक्षा रिजल्ट 3 तक आएगा। उनहत्तरवीं बीपीएससी पीटी में 2 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। एसआई के 1275 पदों पर भर्ती के लिए 5 से आवेदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हुआ तो बन गया सॉल्वर गैंग का सरगना। लिपस्टिक व बाव काट वाली महिलाओं को मिलेगा आरक्षण का लाभ। सिद्दीकी, प्राथमिक विद्यालय खैराघाट की स्थिति जर्जर, भवन निर्माण की मांग, लोग किया प्रदर्शन। मैट्रिक परीक्षार्थियों का प्रमाण पत्र डीओ कार्यालय पहुंचा। 5.5 लाख में परीक्षा उत्तीर्ण कराने का गिरोह लेता था जिम्मा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बैंकों के फंसे 296 करोड़ रुपए। डेबिट क्रेडिट कार्ड नेटवर्क समेत आज से बदल गया नियम। शिक्षक का निधन, गरुआ प्रखंड के पिंदापुर गांव का 32 वर्ष शिक्षक की मौत हो गई। शिक्षा विजय को बताया गया विकास के दुर्व्यवहार चल रहे। नहीं मिली डायरी, बढ़ा रही अलमीरा की शोभा। प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा साल में 2 बार होगी। सिपाही भर्ती प्रशासन साथ गिरफ्तार। 1275 दरोगा बहाली के लिए 5 से आवेदन। 5 लाख में नौकरी दिलाने का देते थे झांसा। एसटीटी का रिजल्ट 3 अक्टूबर को। शिक्षक भर्ती ओएमआर सीट आज होगी जारी। सिपाही भर्ती परीक्षा आज से, गड़बड़ी की साजिश में 7 धराए। माध्यमिक परीक्षा 19 से 23 जनवरी तक होगी। विश्वविद्यालय में तैनात सेवानिवृत्त अधिकारियों से वसूली की तैयारी। 69वीं पीटी में 73% उपस्थिति, परिणाम दिसंबर जनवरी में। स्कूली बच्चों की उम्र के अनुसार यौन शिक्षा की सिफारिश। विधि आयोग ने बच्चों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में आयोग ने बच्चों को यौन उत्पीड़न और इसके विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी देने और जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया है। विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई में तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है कि उनको बाल यौन शोषण के बारे में जागरूक किया जाए। उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिबंध के बारे में जानकारी देने की जरूरत है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाओं का उपयोग बाल यौन उत्पीड़न की दृष्टि में किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग ने मांगी शौचालय की फोटो, अधिकारी भेज दी अपनी। मुजफ्फरपुर, परीक्षा के अंतिम आधे घंटे में नहीं जा सकेंगे शौचालय। कट ऑफ 90 तक जा सकता है, परिणाम दिसंबर जनवरी में। सूबे में बनाए गए थे 488 परीक्षा केंद्र, अभ्यर्थियों की उपस्थिति 73% रही। योगदान की तारीख से नहीं मिलेगा प्रशिक्षित का वेतनमान। कक्षा 1 से 5 का मामला, प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिया निर्देश, समर्थन कोर्स पूरा करने के बाद की तिथि से मिलेगा प्रशिक्षित का वेतनमान। 3 अक्टूबर को जारी हो सकता है एसटीटी का परिणाम, दारोगा के 1275। तो ये सारे कुछ जो है, 5 जनरल को 5 सीटें दारोगा के पद में दिया गया है। तो ये सारे कुछ मुख्य समाचार थे। यदि जानकारी अच्छा लगे, न्यूज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।